मित्रों नमस्कार। प्रशांत चतुर्वेदी, कैसे हैं आप? आशा है मजे में होंगे। पिछले बार मैंने कहा था कि मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के पास। इस बार एक कहानी को लेकर सोचा कुछ हिंदी की उत्कृष्ट कहानी आपको सुनाई जाए। तो बहुत सारे नाम सामने आ गए, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा इत्यादि इत्यादि। फिर सोचा शुरुआत की जाए जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, सुश्री महादेवी वर्मा। उनके शब्दों का चयन इतने उत्कृष्ट दर्जे का होता है और जिस हिसाब से शब्दों की रचना होती है वे मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। और उनकी बहुत सारी कहानियाँ आत्मकथाओं या आसपास में देखी हुई चीज़ों को शब्दों में वर्णित करके बनती हैं और बना लेती हैं एक अविस्मरणीय साहित्य। सोचा क्यों ना उसी से आपका परिचय कराया जाए। तो जो कहानी मैंने आपके लिए चुनी है उस कहानी का शीर्षक है गौरा, गौरांगिनी। उन्होंने अपनी बहन के यहाँ से लाई हुई, घर से लाई हुई एक गाय का वर्णन, फिर उस गाय का उनके घर में हिलमिल जाने का वर्णन, और अंत में उस गाय का इस दुनिया से रुखसत होने का वर्णन कितने बखूबी अंदाज में किया है ये आप जान पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा क्योंकि यह कहानी रहेगी तकरीबन 10 से 15 मिनटों की। तो हेडफोन लगाइएगा और फिर बंद आंखों से कहानी सुनने की कोशिश कीजिएगा और शायद महादेवी वर्मा के शब्द आपको उन्हीं इलाकों में उनके घर के आसपास का पूरा भ्रमण कराने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, लीजिए सुनिए महादेवी वर्मा की कहानी गौरा। कभी कभी मनुष्य अपने क्षुद्र लाभों के लिए बेजुबान प्राणियों को सताने मारने से नहीं चूकता। दो दो नहाओं का आशीर्वाद देती गौरांगिनी विशेष चिकित्सा के पश्चात भी बच न पाई। आइए पढ़िए। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार के साथ पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। पासों में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि से मुझसे बहुत बड़ी थी और बचपन से ही अपनी कर्म निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता के लिए बहुत प्रशंसा पाती थी, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्यों का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्जवलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केशर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। इसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हों। गौरा वास्तव में प्रिय दर्शन थी, विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो
दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उसमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास होता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। घोड़ा की अथल मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूलों का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतना हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुन की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से नहीं पैरों की आहट से पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक के प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर सिर घर पर उठा लिया करती थी। उसका साहस चरित्रित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना सुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास दुख उदासीनता आकुलता आदि के अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैर जाया करती थी। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक तुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः और सायं 12 सेर लगभग दूध देती। अंत लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने के बाद भी इतना अधिक शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूधो नाहों का आशीर्वाद पर मानो दूधो नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियां ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दुहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलते कूदते रहते। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उसके आने में विलंब होता वह रमा रमा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुख दोहन की समस्या को स्थानीय समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दुहना जानते ही थे और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण यह कार्य भूल चुके थे कि घंटों लगा देते। गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के लिए विशेष आग्रह किया तब हमें अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोक्त दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण परीक्षण एक्सरे
द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय के पार हो गई है। तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल करते हैं, परंतु संभव है कि उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टरों के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बनी डली से भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः हृदय तक पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव न थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूर अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे गाय को खिला देते हैं, जिससे उसकी असमय मृत्यु निश्चित होती है। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अंत संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। उसकी स्मृति मात्र से आज भी मन से हर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए जो सुई पर कैल्शियम जमाने का काम कर सकता है और चुभने की संभावना को कम। अंत नित्य कई कई सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जाते। पशुओं को इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सीरिंज तथा बड़ी बोतल पर दवा की आवश्यकता होती है। अंततः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसे यातनामय हो जाता था और गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन की पीड़ाओं को बर्दाश्त करती रही। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की दो बूंदे झलकने लगती। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगी। पास जाकर बैठने पर मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अंत अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था। खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद परिक्रमा सी देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाख लिए हैं, अंत उनमें कुछ को समय असमय विदा देना ही पड़ता है, परंतु ऐसी मर्म व्यवस्था का मुझे कभी स्मरण नहीं था। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पय स्वामिनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक दिन में 2-3 बार आते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो और करना पड़ा हो उसकी मौत का इंतजार। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ से रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा ही लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय उसके पास उपस्थित रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाहों पर से सरक कर धरती पे आ रहा कदाचित सुई ने हृदय का बंधन भेद कर उसे बंद कर दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ाया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी,
आह मेरा गोपालक देश, महादेवी वर्मा। दोस्तों ये थी महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी गौरा, प्रशांत चतुर्वेदी की जुबानी। पसंद आई हो तो जरूर SMS कीजिएगा 9820164921, 9820164921 पर, और इसे खूब फॉरवर्ड कीजिएगा। क्या पता ये पहुंच जाए मेरे जो अघोषित गुरु हैं नीलेश मिश्रा के पास, ताकि वे मुझे बना लें अपना घोषित शिष्य। तो मित्रों दीजिए आज के लिए इजाजत।